हे दोस्तों नमस्कार, आज के नए ब्लॉग नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग के बहुत ही काम के इम्पोर्टेंट, आप लोग और ओला ओवर में मन कर रहा, आपको काम करने का मन बना चुके हैं, तो आप लोगों के लिए आज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम आने वाला है। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग के अंदर, क्या क्या नए ड्राइवर को पहले करना चाहिए और क्या 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 मतलब जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप भारी नुकसान से बचते हो। इससे अगर आप नहीं रूल को फॉलो करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने वीडियो के कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने अगर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखिए संसार में हर बंदा हर तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए मेरी वीडियो देख के कई लोगों ने गाली ले लिया, ठीक है। अब हर बार मैं, इससे पहले भी ये वीडियो आ चुकी है लेकिन मैं अपडेट टू अपडेट करता रहता हूँ आप लोगों को कि ऐसा वीडियो ऐसा चीज़ें दोबारा जो हमारे न्यू व्यूवर्स होते हैं न्यू सब्सक्राइबर होते हैं उनके लिए धीरे धीरे पहुँचता रहे दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि देखिए होता क्या है कि अगर आपने वीडियो देख के मोटिवेट होना आसान बात है लेकिन रोड पर गाड़ी चलाना बड़ा टफ हो जाता है। ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस है, जाम है, कस्टमर के टैटा पैपर सुनना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को मैं आपको एक विस्तार में बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप नए ड्राइवर हो या नए आप काम सीख करना चाहते हो तो देखिए सबसे पहले आपको एकदम से कोई गाड़ी नहीं लेनी है। पहले अगर आपको पहला स्टेप क्या है कि पहले किसी ड्राइवर का आसपास में पता करो कि कोई गाड़ी रेंट पर देने वाला है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर रेंट पर देने वाला है तो उनकी गाड़ी लेके आपको रेंट पर चलानी है दोस्तों, ठीक है। अगर रेंट पर चला लेते हो तो आपको क्या होगा, हफ्ता दिन पंद्रह दिन महीना दिन काम करते हो तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आइडिया मिल जाने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी को खुद की गाड़ी अपनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस बात को आपको नोट करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी। अगर आप फॉलो करते हो तो ये चीज आपको समझ आएगी, नहीं फॉलो करोगे तो भाई नुकसान आपका होगा, पैसा मेरा नहीं जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड थिंग क्या होता है कि भाई अगर चलो ठीक है मैंने गाड़ी चला लिया मुझे काम समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए वही एक कहते ना अपन किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब चार दिन पाँच दिन दस दिन पंद्रह दिन महीना दूसरे गाड़ी लेके चला रहे हो, आपको काम समझ आया, पढ़ते खाया तो आप काम किए, नहीं तो अदरवाइज जिसकी गाड़ी उसको दे दिए आपसे। तो यही सेम चीज़ है कि अगर आप ये वापस से आपको कंटिन्यू करना है काम तो अपनी गाड़ी ले सकते हो, बुकिंग करा के ले सकते हो या सेकेंड हैंड ले सकते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको नई गाड़ी लेते हो तो कम से कम पाँच साल कंटिन्यू आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर नई गाड़ी खरीद के बेचने जाते हो तो नहीं बिकेगी जल्दी, बिकेगी तो वैल्यू नहीं मिलेगा दोस्तों, तो ये वाली पॉइंट है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि नए ड्राइवर आपको गाड़ी लेके अपना काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। देखिए सबसे पहले तो मार्केट कंपटीशन, अगर आपने टूर एंड ट्रैवल से काम कर रहे हो, समझ लो कि अगर आप बाहर का काम करना चाहते हो या आपने खुद की टैक्सी सर्विस देना चाहते हो लोगों तक, जैसे लाइक ओला उबर ऐड चला चला के लोगों तक पहुंचा या खुद पर्चे मार्केट में मार्केटिंग किया, एडवर्टाइजमेंट किया, सारी चीज़ें किया, उस हिसाब से वो अपनी मार्केट बना रखा है, उस हिसाब से काम देता है और वो हमारा बीच का कमीशन खाता है। मतलब समझ लो कि ऐसे है काम कि एक कस्टमर इधर ड्राइवर इधर बीच में मैं, उधर से कस्टमर आया बीच में वो कमीशन खाया, इधर कस्टमर ड्राइवर को पेमेंट करवा दिया, तो इस तरीके से वो एक एग्रीगेटर वाली कहानी चल रहा है। लेकिन आपको नए ड्राइवर को, अगर नए ड्राइवर आप नए हो तो सबसे पहले आपको मार्केट को समझना है, टाइम टेबल को समझना है, उसके बाद काम करना है। नए एकदम से गाड़ी नहीं लेनी है, और गाड़ी भी लेनी है तो छोटी गाड़ी से स्टार्ट करनी है, ना कि बड़ी गाड़ी। अभी भी मेरे पास कई दिन से कॉल आ रहे हैं भैया मैं अर्टिगा ले लिया मुझे काम दे दो। अरे भाई संसार में कोई किसी का गारंटी नहीं लेता भाई, अपने नहीं लेते तो हम आप कौन हो भाई। छोटी सी बात सोचना कि अगर कोई भी आपको संसार में अपना हो ना, आप उनको बोला कि मेरी गारंटर ले बन जाओ, कोई नहीं बनता। इस बात को आपको नोट करने वाली पॉइंट है। तो मुझे भाई बोलता है कि भाई आप काम दिला दो, भाई कहाँ से दिला देंगे मेरे पास, चलो ठीक है मेरे पास जो काम आएगा मैं उसी में से बांट के दूंगा आपको, अगर दे भी रहा हूँ तो किस बात की गारंटी का मेरी बातों को मानोगे, ये भी तो होगा ना। तो ये चीज़ें होती है सबसे बड़ा नुकसान पॉइंट दोस्तों। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू हर चीज़ को अपने वाले स्टेप बाय स्टेप रखते हो, थोड़ी सी गूगल करो, मार्केट रिसर्च करो, उसके बाद लो तब जाके काम होता है दोस्तों। छोटी गाड़ी से स्टार्ट करोगे छोटे, धीरे 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 चीज़ें बढ़ती है। एकदम से अर्टिगा ले लिए, किस्त भी 25,000-30,000 रुपये आएगा महीने का, और किस्त भी बनेगी 60-70 महीने किस्त बन जाएगी, और आपके काम इतना होगा नहीं आप लोगों से, तो वो चीज़ें दिक्कत हो जाती है दोस्तों। जैसे मैं शुरू मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब मेरे लिए सब कुछ आसान हो चुका है, अपना ईएमआई घर का खर्चे सब कुछ आसान से निकल जाते हैं,
बहुत लोग अभी भी आते हैं, दो महीने काम किए, तीसरे महीने गाड़ी बेच के चले गए। गाड़ी बेचते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोटर सेल्स वाले बहुत सारे मार्केट में बैठे, उनको बेच दिया वही गाड़ी, बेचने जाओगे 2 लाख में बिकेगी, खरीदने जाओगे 4 लाख में खरीद दोगे। ये धंधा है आजकल चल रहा है मार्केट में। और इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे कंटेंट पे, मतलब कि किनसे गाड़ी लेना चाहिए किनसे नहीं लेना चाहिए, इस सब पे मैंने वीडियो बना रखा ऑलरेडी, तो आप जाकर वहाँ चेकआउट कीजिए दोस्तों, और फिर आपको समझ आएगा दोस्तों। तो ये बारे स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप जब धीरे धीरे पुराना हो जाते हो, और सबसे पहली बात ओला उबर की रूल्स को फॉलो करना, अगर आपकी बस की नहीं है भाई कि कस्टमर की टाटा पैपे सुनना, क्योंकि कस्टमर ऐसे टाटा पैपे बोल देते ना कि सर है ना ये घूम जाता है गली में, छोटे छोटे गली में जाना, बहुत सारे पॉइंट, मतलब ऐसे चीज़ें हैं ना कि आप, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप किसी की गाड़ी लेकर ट्राई ट्रेनिंग ले लो, फिर उसके बाद आप काम करोगे, आपको खुद ही एक नॉलेज मिल जाएगा बॉस कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए दूसरे का काम हर किसी को अच्छा लगता है, बट आप रोड पर कंटिन्यू गाड़ी चलाते हो तो उसका प्रभाव आपको कितना पड़ रहा है या कितना उसमें आप इंटरेस्टेड हो काम करने में, वो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों आपको बड़ी गाड़ी नहीं लेनी है, छोटी गाड़ी से स्टार्ट करनी है, एकदम से नई गाड़ी नहीं लेनी है, पहले ट्रेनिंग ट्राई करनी है दूसरी गाड़ी से। ठीक है दोस्तों, अब संसार में सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि भाई चलो ठीक है दिल्ली में गाड़ी हम ले रहे हैं, तो दिल्ली में गाड़ी बहुत वेटिंग लिस्ट में है, मैं बाहर से लेकर आ जाता हूँ यहाँ चलाऊंगा। तो भाई बाहर से बिल्कुल लेकर आ सकते हो, यहाँ चला सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ। ऑल इंडिया परमिट है तो टैक्स कटवाना पड़ेगा जिस जिस स्टेट में जाते हो, इसके लिए ऑलरेडी मैंने पीछे वीडियो बनाई, आप लोग नहीं वीडियो देखे तो जाकर चेकआउट कीजिए वीडियो सेक्शन में, वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहां आप चला सकते हो, लेकिन एक शर्त ये भी है कि डॉक्यूमेंट्स पूरा होना चाहिए, अदरवाइज पकड़े गए पुलिस वाले ने तो गाड़ी उठाकर फीच कर देने, और कुछ नहीं करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो मेरी नॉलेज होता है, कोई क्लिप स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो मेरे मन में जो दिल में और दिमाग में जो चीजें फेस करता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, और आप लोग देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, और मिलते हैं कोई नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को राम।